एक दोबारा से दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट स्मार्ट एयर हॉकी टेबल। तो इसमें सबसे पहले द मैकेनिकल सेटअप, सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि इसकी प्लेइंग एरियाज का होना चाहिए तकरीबन 4 feet by 1.5 feet। इसमें से बॉर्डर को माइनस करें तो लाइक तकरीबन 16 inch प्लेएबल एरिया आता है। तो उसकी सबसे पहले हमने केबल की कैट डिज़ाइन बनाया और उसमें हमने वायरिंग कंपार्टमेंट का भी थोड़ी सी टॉलरेंस दी कि वायरिंग हमें नज़र नहीं, किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए, लाइक हिडन हो वायरिंग तो बेहतर है। डिज़ाइन की थोड़ी डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगता है कि वायर्स अगर नज़र आए। तो बेसिक कंपोनेंट्स इसके क्या हैं कि स्टेपर मोटर है, यहाँ पे सारी वायरिंग हुई है, आर्डुइनो है, स्टेपर मोटर का ड्राइवर है और पावर सप्लाई लगी है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगी। ये स्टॉप इसका स्टॉपर है और ये पंख है और ये अटैकिंग साइड है। तो बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि यहाँ से अगर हम शॉट मारेंगे तो डिफेंड करेगा। ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर और ये इसका बेसिकली ये इसको सेंस करता है जाता है जब ये पक यहाँ से सामने से गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अभी मैं हाथ भी गुजरूँगा तो ये इस तरह मूव करेगा। अब ये वर्किंग किस तरह करता है ये मुझे आपको समझाएगा उसकी अकॉर्डिंग। अच्छा, बेसिकली ये सेंसर जो है ये टोटल हमारा बनता है 37-38 सेंटीमीटर। तो इसको दो रीजन्स में डिवाइड करता है, एक लेस देन 19 और एक ग्रेटर देन 19। अगर लेस देन 19 में कोई ऑब्जेक्ट पास हो तो वो उस मोटर को उस डायरेक्शन में लेकर जाएगा और अगर ग्रेटर देन 19 में कोई ऑब्जेक्ट पास हो तो मोटर को दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाएगा। तो ये मोटर के साथ जुड़ी हुई है। मोटर को हमने यहाँ पे ड्राइवर के साथ कनेक्ट किया है। तो मोटर की ड्राइवर के साथ स्टेप पिन है जो कि स्टेप्स को कंट्रोल करती है और डायरेक्शन पिन है। तो ड्राइवर जो है ना आर्डिनो के थ्रू मोटर स्टेपर मोटर को कंट्रोल करता है और आर्डिनो को जो है ना ये बेसिकली सेंसर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उसने स्टेपर मोटर को कैसे वगैरह कंट्रोल करना है। और यहाँ पर बेसिकली नीचे हमने आरजीबी लाइट्स लगा दी एस्थेटिक्स के लिए सो दैट इट लुक्स लाइक अ गेमिंग सेटअप। बाकी स्माइल। अब ये जो प्रोजेक्ट है अभी तो वी मेड दिस एज अ बेस प्रोजेक्ट, वी आर गोइंग टू होपफुली मेक इट बेटर, मेक अ न्यू वर्जन, अ वर्जन दैट कैन एक्चुअली प्ले विद द प्लेयर कम्प्लीटली, एज इन the defender will not only defend but also attack and make sure the puck lands in all goals. For now this is what we could do and this is basically a prototype for now. Challenges kya hai is final design tak pahunchne tak? Challenges at first the biggest challenge was the fact that the table, we did not know exactly how well our components worked and if they even worked at all and how we're going to put the components on the table. The only thing we knew is we needed a playing area, we needed a border, we needed a stepper motor holder. How to get the design? That one. We tried to design it, we did design it, but it wasn't as good as we thought it would be. We ran into a lot of problems with the sensor placement and the stepper motor. But if we do it next time, we will do it better. And another problem was that our motor driver did not work for a very long time and we did not realize that soon, so we had to rush it in the end a little. Other than that, I think the sliding attachment did not work very well, but we removed it and had to use something else. There's something from the code. So, जैसे कि सबको पता है कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती तो इसमें थोड़े से फ्लॉज भी हैं। जैसे कि एक सेंसर लगा हुआ है तो ये इसको इसका बेसिक जैसे उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल है कि जब यहाँ से गुजरेगा तो जस्ट उधर जाएगा। तो एक शॉर्ट कॉम्बिनेशन होता है कि अगर हम रीबाउंड खेलें जैसे ये जब यहाँ से गुजर रहा है ये चीज़ जब यहाँ से गुजर रही है तो ये बेसिकली उसको उधर लेके जा रहा है। जब रीबाउंड होगा तो ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ से गोल कर देगा ये स्ट्राइक फ्लो। और कोडिंग कहाँ पे की है? जी कोडिंग आर्डिनो में किया। आर्डिनो में कोडिंग बेसिकली हमने किया है और ये गेमिंग बहुत सिंपल सा कोड होगा। ये मुझे देखने से कोई खास कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लगा। डिफेंस बेसिकली ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करके इसको रन कर और ये हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, हम गेमिंग अरिनाज में यूज़ कर सकते हैं। और इसका सबसे बेनिफिट ये है कि आप फिलहाल ये आर्ट है, दिस इज आर्ट और आप इसको एज अ आर्ट सेल करोगे ना ये इंस्टेंटली सेल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप फ्यूचर में भी ऐसे ही प्रोजेक्ट में आएंगे क्योंकि आपकी हिस्ट्री ऐसी है।
तो फॉरकास्टिंग से पता चलता है कि आपका इंशाल्लाह फाइनल प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह मैं यहाँ हूँ या ना हूँ, ठीक है। बाकी गुड लक। थैंक यू।